बात करेंगे जहां अलग अलग एंगल से नई नई थ्योरी सामने आने लगी हैं। सबसे हैरान करने वाली थ्योरी बाबा के ये वकील सामने रख रहे हैं। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा है और दावा किया है कि भाई घटना के वक्त हाफ पैंट पहने कुछ लोग बाहर से आए थे। इन लोगों के हाथों में जहरीले स्प्रे की बोतलें थी और इन लोगों ने अचानक से स्प्रे कर दिया, जिसके बाद महिलाएं बेहोश होने लगी और नीचे गिरकर मरने लगी। हालांकि वहां मौजूद चश्मदीद महिला का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनने किसी के हाथ में कोई स्प्रे की बोतल नहीं देखी। हाथरस हादसे को लेकर नारायण सरकार हरि के वकील एपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा दावा किया है। एपी सिंह ने कहा कि हाथरस की घटना एक हादसा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। करीब 10 से 15 लोग गमछा कंधे पर रखे हाफ पैंट पहने हुए सत्संग सभा में आए, उनके हाथ में स्प्रे था। फिर यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर 15-16 लड़के युवक अच्छे मजबूत, किसी का गमछा पड़ा हुआ, कोई काली हाफ पैंट पहने हुए और हाथ में इस तरह का बोतल लगती थी। लोगों को तो बोतल लगेगी, अब स्प्रे बता रहा हूँ तो इसलिए, देखने में सबको बोतल लग सकती, पानी की बोतल ठंडी, इस तरह से वो एक साथ भागना शुरू हुए, आगे पीछे नहीं, एक साथ भागना शुरू हुए। उन्होंने इस तरह से स्प्रे को दबा रखा था और वो पूरा पॉइजनिक स्प्रे था, जहरीला स्प्रे था, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि एक सांस जैसे खींची पर उसके सांस ही बेहोशी आ गई। बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि कार्यक्रम में बाहर से आए लोगों ने अचानक जहरीला स्प्रे कर दिया था और भागने लगे। उनके पीछे ही महिलाएं भी भागने लगे और एक के ऊपर एक गिरती चली गई, जिससे मौत हो गई। एपी सिंह ने पूरे मामले की जांच इस एंगल से कराने की मांग की है। नारायण साकार हरि को जाए हुए 30-35 मिनट हो चुके थे और वो यहाँ से भागे और एकदम गाड़ियों पर बैठे, गाड़ियों पर ड्राइवर पहले से बैठे थे। सोचिए आप कितनी बड़ी प्लानिंग, ड्राइवर पहले से बैठे थे और उनमें से एक युवक की ऐसी बोतल नीचे गिर गई, भाग तो पीछे मुड़ा, रुका और उसने फिर से उठाई से और उठा के फिर से लेके गया और उसमें बैठ के एकदम गाड़ियां तेजी, यहाँ गिर रहे हैं लोग, यहाँ पड़े पड़ रहे हैं लोग, चीख पुकार कर रहे हैं और ये यहाँ से इधर भाग रहे हैं, वो सीधे भाग रहे हैं। हाथरस हादसे की चश्मदीद महिला ने बाबा के वकील एपी सिंह के दावे को गलत बताया है। चश्मदीद महिला का कहना है कि भगदड़ वाला कोई स्प्रे नहीं फेंका गया, महिलाओं पर स्प्रे फेंकने वाली बात गलत है। हादसे के बाद बाबा को हमसे मिलना चाहिए था, महिला ने हादसे के समय वहां मौजूद होने का दावा किया है। ये गलत है, वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था, वहाँ पर सारे लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी, ना तो वहाँ पर कोई किसी की चीज खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। जो औरतें गड्ढे में गिरी हैं उनके ऊपर जो ट्रक पर लड़के खड़े थे हाफ नेकर वाले, वो बहुत जोर जोर से शोरगुल कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे बहुत जोर से, जब प्रभु की गाड़ी गई उसके बाद बहुत हल्ला कर रहे थे। जब औरतें गिरी हैं तो उनके ऊपर ट्रक पे थे कूदे हैं, अब ये नहीं पता उन्हें बचाने के लिए कूदे हैं या फिर उन्हें मारने के लिए कूदे हैं। भोले बाबा के वकील एपी सिंह के दावों में कितना दम है और चश्मदीद महिला की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जैसे जैसे हाथरस भगदड़ कांड की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हाथरस सत्संग कांड में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। लोगों ने न्यायिक जांच आयोग कमेटी के सदस्यों को अहम जानकारी दी है। घटनास्थल से जुड़ी हुई वीडियो भी टीम को हाथ लग चुकी है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से टीम लगातार पूछताछ कर रही है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहाँ तक पहुंची? हमने प्रोसीजर, हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे जी। सारे ऑफिसर्स के, जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी समय मदद मिलेगी, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सीतापुर में शारदा घाघरा और बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया है। करीब 4.98 हजार क्यूसेक पानी बैराजों से छोड़ा गया है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शारदा से 1,26,229 क्यूसेक और घाघरा से 2,06,553 क्यूसेक और बनबसा से 1,66,160 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदियों का जलस्तर ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है नदियों का जलस्तर। और सीतापुर में गांजरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों पर जाने की अपील की जा रही है। बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, लखीमपुर खीरी की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर शारदा और घाघरा नदी अपने उफान पर है और जिसके चलते करीब 56 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की जद में आ गए हैं। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। पलिया और गोला गोकर्णनाथ तहसीलों में हालात ज्यादा खराब हैं। बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए पानी से नदी किनारे गांव में बाढ़ का खतरा है। नदियां उफान पर, बाढ़ का खतरा, ऐसे में लोगों को ऊंचाई वाले जगहों पर जाने के लिए अपील की जा रही है लगातार। जलस्तर बढ़ने से कुछ 86 गांव जो हैं वो बाढ़ के जद में आ रखे हैं, जहां का कभी भी बाढ़ आ सकती है, खतरा बना हुआ है।